तो कहाँ तक पढ़े थे सुना नहीं है सुना नहीं है कुछ कुछ हिंट दिए थे शायद से क्या कि क्यूवन पढ़ेगा तो दो आवेश के बीच में बल क्या होगा बढ़ेगा बहुत बढ़िया दूरी बढ़ा देने दो आवेश के बीच का मान लीजिए Q1 है Q2 है अगर ये दूरी बढ़ा देंगे दूर काटेंगे तो बल क्या होगा घटेगा ठीक है आप आए थे देखिएगा अभी हम पढ़ रहे हैं कूलॉम का नियम कूलॉम का नियम इसको इंग्लिश में कहा जाता है कूलॉम्स लॉ देखो बच्चा क्या सोचेगा कहा है ना इंग्लिश आज तक पढ़ा है ध्यान होगा वो क्या बोलेगा ऑफ नहीं लगेगा सर अब ले रहे राम सुरदा राम का भाई जी सर राम सुरदा ठीक है तो कूलॉम्स लॉ कूलॉम का नियम ठीक है ये देखिएगा ऐसे तो हम बता चुके एक बार और आपके सामने लेके आते हैं ये क्या बताता है ध्यान से सुनिएगा क्या बताता है मान लीजिए दो आवेश है Q1 है एक Q2 है दो आवेश है Q1 Q2 ठीक है Q1 है Q2 है इन दोनों के बीच का दूरी जो है R इन दोनों के बीच का दूरी जो है R है डिस्टेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं अगर मान लीजिए ये अब जब दो आवेश है तो इन दोनों के बीच में दूगो बल लगेगा कौन सा बहुत बढ़िया आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल ये दोनों के बीच में एक बल लगेगा या तो खींचेगा या तो दूर फैलेगा कब खींचेगा कब खींचेगा तो आगे हमें आपको बहुत बढ़िया जी जब प्लस हो एक माइनस मंत्र क्या दिए एक का मीन होगा एक का योग होगा अब मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है तो चिपकेगा ना जी चिपकेगा ऐसे कैसे चिपक जाएगा दो चीज आपस में चिपक रहा है मतलब क्या हुआ दोनों आपस में बल लगा के खींच रहा है अगर लड़ाई होगा आजकल देख ही रहे हैं लड़ाई का फैशन क्या चला हुआ है ये कॉलर पकड़ा जाए ठीक है उसके बाद में कुछ होगा तो कॉलर पकड़ा धकेल दिया तो धकेल दिया मैंने दूर ना फेंकाया दूर फेंकाया तो अपने से नहीं फेंकाया आप बल दिए हैं जितना ज्यादा बल दीजिएगा उतना ज्यादा दूर फेंकाएगा मतलब अपने से कोई चीज नहीं मिल सकता अब हमको बात समझ कि कोई चीज दुनिया में अपने से नहीं सकता जरूर उन दोनों के बीच बल लगा है तो अगर ये दोनों भी हिल रहा है ऐसे हिल गया बल लगा है तो बल लगा है तो यही ये बल अब ये बल के बारे में बात करेंगे कि कब ज्यादा होगा और कब कम होगा तो कूलॉम का नियम जो है ना इसी के बारे में बताता है इस बल के बारे में इसी के बारे में बताएगा तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल दिया ध्यान से ये बोला क्या ये पहला बार बोला कूलॉम क्या बोला एक जो है समानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल का मतलब क्या समानुपाती समझते हैं ना नया बच्चा नहीं समझे समानुपाती क्या होगा राम के पढ़ने से अगर कोई चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज भी आवाज ज्यादा है क्या नहीं आवाज रहा है काहे आवाज हो रहा है इतना ज्यादा काहे कर रहे हैं मकसद है बताइए ठीक है कोई मंदारी तारी इधर दिखाएगा तो आपका नजर चल जाएगा ऊपर हम नहीं चाहते आपका नजर जाए एक बार हम बोलेंगे तो आपका दिमाग एकदम आवाज जाना चाहिए कान में ठीक है
तुरंत आपका नजर होना चाहिए बोर्ड पे, काफी पढ़ पाइएगा। अदरवाइज धीरे धीरे हम ही आलस में बोलेंगे तो आप ही आलस में इधर उधर देखिएगा। तो देखिएगा अगर बल कहने का मतलब कोई चीज बढ़ रहा है, राम बढ़ा तो श्याम भी बढ़ गया, तो समझ जाइए x के बढ़ने से y बढ़ेगा, तो लिखेंगे x समानुपाती है। अगर x के बढ़ने से y घटेगा, एक मतलब ये समानुपाती है, ठीक है। तो क्या बोल दिया कूलम के नियम के अनुसार, क्या बोला गया कि x समानुपाती है q1 q2 के गुणनफल, q1 और q2 का गुणनफल। हम बोले कि अगर q1 और q2 का गुणनफल ज्यादा मिल जाए तो बल भी ज्यादा होगा, अगर q1 q2 का गुणनफल कम होगा तो बल भी कम होगा, अगर q1 q2 का गुणनफल ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे अगर हम पूछते हैं दो आवेश है, 4 कूलम 3 कूलम और 6 कूलम 3 कूलम, ये दो आवेश है, ठीक है। पहला और दूसरा में कौन दोनों के बीच में ज्यादा बल लगेगा? अगर कोई भी बच्चा पलते बताएगा 6 × 18 यहाँ पे गुणनफल 18 हो रहा है और यहाँ पे 12 हो रहा है, ये वाला ज्यादा है ना, ये अगर ज्यादा है तो बल ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा। तो अगर गुणनफल ज्यादा है तो बल ज्यादा होगा, ठीक है, यही बात बोला। अगर मान लीजिए गुणनफल कम होगा तो बल कम होगा, बल कम होगा। तो कूलम के नियम के अनुसार पहला बात यही बोल दिया कि अगर दो आवेश, क्या बोला पहला बात बोला है, अगर दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर है, इसीलिए मतलब चेंज नहीं कर रहा है, स्थिर है तो उनके बीच, मतलब उनके बीच मतलब कौन, q1 और q2 का गुणनफल समानुपाती होगा किसके, इस बल का। तो पहले एक लाइन लिखेगा इसमें कूलम के नियम में, एक दो लाइन लिखेगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए, कैसे सीए कूलम, इसका नाम था सीए कूलम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम ने या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, तो इसी बल के बारे में वो बताया है
बता दिया। आप लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार अनुसार करके ऐसे मार दीजिए आप पहला लिखिए पहला। इस नियम के अनुसार पहला इस नियम के अनुसार ठीक है। अगर पहला भी लिखते जाइएगा अगर दो आवेश के बीच की दूरी स्थिर है तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है पहला क्या बोल दिया बहुत सारे समझते होंगे तो आई का मतलब समझते क्या होता है आई अर्थात बार बार बताते रहते हैं आई मतलब होता है इंग्लिश में बोला जाता है डैट इज मीन्स अर्थात। ठीक है तो अर्थात क्या हो जाएगा देखिएगा पहले तो फोटो बनाएंगे क्या मान लीजिए Q1 है ये Q2 है अब जो होगा इनके बीच का दूरी R जो है अगर स्थिर है R है तो हम क्या बोलेंगे इन दोनों के बीच में बल लगेगा या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण आकर्षण मतलब खींचेगा प्रतिकर्षण मतलब समझ गए। अब देखिएगा जो बल लगेगा बल मान लेते एफ लग एफ आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या है एफ है उस समानुपाती होगा क्यू वन और क्यू टू के समीकरण। तो देखिए कैसे फोटो इधर बनाइएगा और जो लिखिएगा इधर लिखिएगा अर्थात अर्थात एक समानुपाती है क्यू वन और क्यू टू को फोटो बना लीजिएगा फोटो इसलिए बनाते हैं कि दिमाग में और ज्यादा कुछ है अगर पहले पांच कुलम है तो हमेशा पांच ही कुलम ठीक है
जो बढ़ेगा या घटेगा वो दूरी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा, ध्यान से आप हम क्या बोलेंगे, ये दूरी है r, तो जो इन दोनों के बीच में बल होगा, जो बल होगा वो एक बटा r इस बार, मतलब दूरी के वर्ग, ये क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कि समानुपाती है, नीचे में हो जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, बल, यही बोला था ये दूसरा बात। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब वो नहीं समझ आ रहा क्या बोल दिए हैं, अगर राम बढ़ेगा तो राम का क्या होगा, घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है किसी चीज के बढ़ने से वो दूसरा चीज घटता है। अगर हमसे पूछेगा तो मैथ में चल गया इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, हम बोलेंगे कि अगर ऐसा है, ऐसा ऐसा क्या है, एक समानुपाती है वाई, थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं, ऐसे होगा नहीं वाला चीज, अगर एक समानुपाती है वाई के तो कैसे लिखते हैं, ऐसे ग्राफ, इसको कहते हैं वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स, वाई के बढ़ने के साथ एक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पहले एक सीधा था बाद में इतना हो गया, वाई भी इतना था अब इतना हो गया, अब इतना हो रहा है, तो एक बढ़ रहा वाई बढ़ रहा है, इसको ऐसे लिखते हैं समानुपाती का मतलब एक ग्राफ नहीं चाहता है। अगर कहीं ऐसा है कि ऐसे खींच रहा है आपको इसका ग्राफ तो हम खींचते हैं ऐसे, देखे होंगे मैथ में ये होता है वाई बराबर वन बाई एक्स का ग्राफ, क्या वाई बराबर आप देखिए एक्स यहाँ पे सबसे कम है तो सबसे ज्यादा वाई है कि, अगर एक्स का मान सबसे कम यहाँ पे है ना तो वाई देखिए कितना ज्यादा जा रहा है, अनंत पे है, अब एक्स अनंत पे जाएगा इधर तो वाई देखिए सबसे कम है, तो एक बहुत ज्यादा है तो दूसरा कम है, ये इसका ग्राफ होगा। तो देखिएगा व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, कोई चीज कम है तो दूसरा बहुत ज्यादा है, एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज घटता है, दूरी पर आइएगा बल घटेगा, तो बहुत बच्चा बुला जाता है, अब बोलते हैं जब बुलाइए दिमाग में वो फोटो की तेज चुंबक, चुंबक चुंबक से सोच लीजिए, चुंबक का जैसी दूरी बढ़ाइएगा तो बल भी क्या होता है खींचने का क्षमता कम हो जाता है कि नहीं, जैसी नजदीक लाइएगा मतलब दूरी कम ना हो गया बल ज्यादा हो गया, और सिंपल है कि तो सब चुंबक से याद करके रखिए, तो दूसरा क्या बोला लिखिएगा, दूसरा क्या बोला, दूसरा क्या बोला, अगर अगर आवेश के परिमाण परिवर्तन न करे करे तो दोनों आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल उनके बीच के दूरी के दूरी के वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फोटो फिर से साइड में बनाइए या कैसे, अब क्या हो जाएगा, फोटो साइड में बना लीजिए कैसे,
इक्यूवन है, इक्यूटू है, ये दूरी है आर, तो अब क्या लिखेंगे? अर्थात क्या हो जाएगा? साइड में फोटो अर्थात में लिख लीजिएगा, इन दोनों के बीच में बल लगेगा कि लगेगा? लगेगा, तो एक हो जाएगा एक बटा दूरी के वर्ग। समीकरण दूसरा निकाले और उधर निकाल देते हैं, दूरी पर काम करें। अब ऐसे नहीं कि एक इंजेक्शन मार तो दिए आप नहीं ऐसे तब कीजिए जब तबीयत खराब हो जाए। तो देखिएगा ये हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक समीकरण मेरा क्या क्या एक समीकरण मेरा आ गया, एक समानुपाती है Q1 और Q2 के। पहला क्या दी समझ रहे होंगे, और दूसरा जो बल है, दूसरा समीकरण आया है वही क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग से। यही ना दूसरा दिए है। अब क्या करेंगे? दोनों को मिला देंगे, ज्यादा कुछ करना नहीं, दोनों को क्या कर दीजिए मिला देंगे। तो देखिएगा मिलाते हैं, मिला देता है, मिलाइए तो दो समीकरण पहला तथा दूसरा को मिलाने पर अभिमत लिखेगा। मिला दिए तो एक जो हो गया, इधर एक लिखा है तो मिल गया, क्योंकि दोनों बलवा तो एक ना है, यही ना बल है, ये भी बल वही है, दोनों एक है, तो मिला दिए तो एक। ये ठीक है कि ऊपर में है तो इसको रखिए ऊपर में, नीचे में है तो इसको नीचे लिखिए, नीचे मिल गया। कौन सा क्या है जीवन? एक बटा आर स्क्वायर, वन को लिखा थोड़े जाता है, गुना कर दीजिए ना, वही ना हो जाएगा, कहा अब देखिएगा एक बच्चा ही बता देगा, ये भी बता देंगे कि हटेगा तो क्या है, बच्चा ही बताएगा ठीक है। हटता है तो नियतांक आता है, तो देखिएगा हट गया तो नियतांक आएगा बराबर, या फिर कांस्टेंट आता है नियतांक। कभी भी ये चीज हटता है याद करिए, नियतांक ये आ जाता है के क्यू वन क्यू टू बटा में आर स्क्वायर। यही तो सूत्र है, बल निकाले दो आवेश के बीच में बल निकाला है ना, आप बताएंगे ना, ए के बारे में चर्चा करेंगे, बता लीजिए ए के बारे में चर्चा करेंगे। कहा लिख लीजिएगा समीकरण एक तथा दो को मिलाने पर, इसका मान होता है। तो लिख लीजिएगा
जहां के एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है, ठीक है, बोल दिया, जहां के एक नियतांक है, ठीक है, के बराबर इसका मान नीचे में लिख लीजिए 9 × 10⁻¹. मात्रक लिखिए ना, आप इसका मात्रक हमको निकालना है। मात्रक आज तक हम अभी तक अपने लाइफ में कभी नहीं रखवाए, मात्रक बनवाते हैं। तो देखिए कैसे मात्रक बनाया जाता है, मात्रक कैसे बनाया जाता है। तो के को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सबको साइड पर, जिसका मात्रक निकाला जाता है उसको एक साइड रख लीजिए, बाकी सबको फेंक दीजिए एक साइड। तो एक गुना के बराबर एक गुना, बहुत बढ़िया जी, बटा मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। के एफ आर स्क्वायर आप बटा में फेंकिएगा इन दोनों को, ऐसा मत करका इतने देखे तो इतना भी दिक्कत है। ध्यान से देख लीजिए जी, 3 सेकंड दिए हैं देखने के लिए, हो गया जी, इतना भी दिक्कत कैसे आ गया। एक गुना आर स्क्वायर Q1 बटा Q2, ठीक है। आप इसका मात्रक निकालना है के का, तो बल का मात्रक क्या, न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या, मीटर, तो के का दूरी 2 को न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटा में प्रति जिसको कहते हैं। क्यूवन का मात्रक क्या, आवेश का मात्रक क्या, एक एक बच्चा जाता है कूलम गुना कूलम, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया, इसका मात्रक, हाँ के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इस के का एक ही मान नहीं है, एक और मान, तो के बराबर एक और होता है, के बराबर 1/4 pi एप्साइलन नॉट, ऊपर में लिख लीजिएगा इसको क्या पढ़ते हैं, एप्साइलन नॉट, ऊपर में सबसे ऊपर, इसको ऐसे मैथ में आता है क्या, आता है तो आते हैं बिलोंग टू फर्स्ट ईयर, लेकिन ये नहीं आता है, अब मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जी, अपना बिल्डिंग का लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैलकुलस मात्र आंख से देखिए, आंख आंसर लिखिए, इतना कर आई, कब होगा जब आपके पास ग्राफ का नॉलेज है, आपको तो पता नहीं है साइन कर लिख जाता है, यही है। तो कुछ सवाल एक के लिए पढ़ा जाता है, तो एक बार डाली ना अपनी बिल्डिंग तैयार हो तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर डाल के तो दिखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, तो के बराबर 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब के का एक मान और होता है 1/4